दोस्तों जरा इस वीडियो को आप देखिए। उन्हें मुसलमान थे और दाढ़ी रखने के पश्चात इनको सस्पेंड करने का ऑर्डर आ गया कि या तो आप सस्पेंड होंगे या तो दाढ़ी कटवा के आइए। एनीवे इंतजार अली को अपना दाढ़ी कटवाना पड़ा और दाढ़ी कटवा के तब नौकरी ज्वाइन करना पड़ा। उन्होंने अपने धार्मिक बातों से समझौता करते हुए अपनी दाढ़ी को कटवा लिया और पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया। आप सोचिए अंतर देख सकते हैं, एक जगह बम भोले का नारा लग रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई दाढ़ी बड़ा रख ले तो उससे समस्या हो जाती है। भाई पगड़ी तो सिख भी रखते हैं, दाढ़ी तो सिख भी रखते हैं, उनसे कोई समस्या नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई दाढ़ी बढ़वाए तो उसको जो है सस्पेंशन ऑर्डर आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के हिंदू, या हम भारत के मुसलमान, हम भारत के मुसलमान। जहां भी आप पाएंगे लिखा है हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक। मतलब भारत के संविधान के अनुसार हर धर्म के लोग भारत के नागरिक हैं और सभी नागरिकों के एक समान अधिकार है। लेकिन आज आए दिन धर्म के नाम पे जो भेदभाव देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे कभी कोई स्टेशन के वेटिंग रूम में अगर नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और कोई स्टेशन पे पूजा पाठ करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। आप देखेंगे कि कोई पुलिस वाला दाढ़ी बढ़ा लिया तो उसकी नौकरी तक जाने की सवाल आ जाती है, और कोई पुलिस वाला जो है वर्दी में बम बम भोले का नारा लगाता हुआ नजर आता है। दोस्तों जरा इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में यह पुलिस वाला बम बम भोले का नारा लगाता हुआ कितना भक्ति भावना में डूबा हुआ है। आप सभी को बता दें कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यहां पे भारत के नागरिक टैक्स दिए हैं और टैक्स से पुलिस वाले की वर्दी मिली है, और पुलिस की वर्दी की सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा। वहां पे वह सुरक्षा का कार्य छोड़ के और भक्ति भावना में मशगूल हो गए हैं। अगर उनको भक्ति भावना करना है तो पुलिस का ड्रेस उतारे और ड्यूटी आवर्स जब बीत जाए तब नॉर्मल सिविल ड्रेस में आके वो अपना भक्ति भावना करें, लेकिन पैसा ले रहे हैं सुरक्षा के नाम पे और वहां कर क्या रहे हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, आप किसी संवैधानिक पद पे हैं, आप कोई ड्रेस में हैं, तो उस वक्त आप अपने धर्म की बातें और इस तरह से नाराबाजी लगाना, आप सोचिए यह कहां तक सच है, सही है। आपको बता दें अल्लाह हू अकबर का नारा अगर कोई पुलिस वाला लगा दिया होता इसी तरह के ड्रेस में, और कोई मुसलमानों की सभा होती और वह पुलिस वाला मुसलमान होता, वहां वो अल्लाह हू अकबर का चार बार नारा लगा दिया होता, मैं लिख के देता हूं अभी तक उसको एक्शन हो जाता, उसकी नौकरी चली जाती। बताइए ऐसा इंतजार अली का नाम आप जानते हैं, बागपत के एक पुलिस वाले हैं, इन्होंने दाढ़ी रख लिया क्योंकि इन्होंने मुसलमान थे, और दाढ़ी रखने के पश्चात इनको सस्पेंड करने का ऑर्डर आ गया कि या तो आप सस्पेंड होंगे या तो दाढ़ी कटवा के आइए। अब दोस्तों ये कहने लगे कि 1994 से मैं दाढ़ी रखा हूं और दाढ़ी रख के पुलिस की नौकरी करता आ रहा हूं, अभी तक किसी को समस्या नहीं हुई है, अब दाढ़ी से क्या समस्या है। शायद इंतजार अली भूल गए थे कि 1994 के बाद सरकार किसकी थी और अब सरकार किसकी है। एनीवे इंतजार अली को अपना दाढ़ी कटवाना पड़ा और दाढ़ी कटवा के तब नौकरी ज्वाइन करना पड़ा। सोचिए उनके बीबी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, खाना पीने का खर्चा उनको कैसा निकलता। अंततः वह जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने अपने धार्मिक बातों से समझौता करते हुए अपनी दाढ़ी को कटवा लिया और पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया। आप सोचिए अंतर देख सकते हैं, एक जगह बम बम भोले का नारा लग रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई दाढ़ी बड़ा रख ले तो उससे समस्या हो जाती है। भाई पगड़ी तो सिख भी रखते हैं, दाढ़ी तो सिख भी रखते हैं, उनसे कोई समस्या नहीं। मैं हिंदू हूं, यहां पे तिलक लगाता हूं, ये बांध के जाता हूं, अगर मुझे कोई कहे कि ये उतार दो मुझे कैसा लगेगा। भाई भारत के संविधान के अनुसार अगर नियम है तो सबके लिए एक समान नियम है, अगर नियम नहीं है तो सबके लिए वो नियम नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई दाढ़ी बढ़वाए तो उसको जो है सस्पेंशन ऑर्डर आ जाए, और कोई इस तरह से बम बम भोले का नारा लगाए तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। दोस्तों अब बहुत सारे अंधभक्त गोबर भक्त बोलेंगे कि ये बम बम भोले का नारा लगा रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, मैं हिंदू हूं तो मुझे इससे क्यों तकलीफ हो रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि भगवान शंकर का मैं भी परम भक्त हूं,
विज्ञान भैरव में भगवान शंकर ने 112 मेथड ध्यान साधना का बताया है और वो पार्वती जी के पूछने पे वो आंसर दिए हैं। वह सारा ध्यान साधना उसमें से ज्यादा ध्यान साधना मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं बता दूं, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्दनान् मृत्युर्मोक्षी रमामृताप का जाप करते हुए जब मैं ध्यान करता हूं मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है ये भी अंधभक्तों को बता दूं कि हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर जो प्रत्येक सांसों में विराजमान है, हमें ऐसा परिपक्व करिए कि हमें संसार रूपी मोह माया से इस तरह से अलग हो जाएं जिस तरह से तरबूज और ककड़ी जब पक जाता है तो अपने डंठल से अलग हो जाता है। तो भगवान भक्ति की बात अगर करोगे तो मैं तो भगवान शंकर का परम भक्त हूं और उस भक्ति की बातों में टिक नहीं पाओगे। लेकिन भक्ति करना है, ध्यान करना है, साधना करना है तो आप अपने घरों में करिए, बाहर करिए, लेकिन आप जो है सिविल ड्रेस में करिए। पुलिस के ड्रेस में आप पैसा ले रहे हैं सुरक्षा के नाम पे और उस पैसे से जाके आपकी धार्मिक नारा लगा रहे हैं, आप पुलिस का ड्रेस त्यागिए। देखिए एक बंदे ने क्या लिखा है, थोड़ा देखिए कि पुलिस का ड्रेस उतारो और साधु बन जाओ और तब ऐसी नारा लगाओ। ये जो ट्विटर पे बंदा लिखा है इसका नाम पढ़िए, क्या ये कोई मुसलमान है? नहीं, ये हिंदू है। तो जो भी सच्चा हिंदू होगा वो भगवान शंकर का भक्त और ये सब तो अपनी जगह, लेकिन भारत के संविधान को भी कद्र करेगा और भारत के संविधान के अनुसार आप संवैधानिक पद पे हैं तो इस तरह की चीजें आपके अंदर शोभा नहीं देती। आप बिल्कुल पुलिस का ड्रेस उतारिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में आप पुलिस के ड्रेस में इस तरह से धार्मिक आप अपने अंदर भाव जाग रहा है उसको आप इस तरह से जाहिर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का एक किस्सा है दोस्तों, जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जाते हैं और कहते हैं कि सरकार जो है सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगी, तुम लोग टैक्स ले रहे हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के लोगों से, उससे रोड बनवाओ, शिक्षा अच्छा करो, उससे जो है तुम लोग जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, एक क्या बात हो गई कि तुम सोमनाथ मंदिर बनाओगे। सोमनाथ मंदिर बिल्कुल बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वह पब्लिक के फंड से बनेगा, उसके लिए जो है चंदा उठेगा और उस चंदे से भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण होगा। सरकार इसके लिए पैसा नहीं देगी। आप जाके इतिहास पढ़िए और महात्मा गांधी यह कहते हुए पाए गए। जवाहरलाल नेहरू को जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्ष भारत जो सभी धर्मों का सम्मान करता है उस पद का प्रधानमंत्री हूं और मैं जो है उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा। और वह नहीं गए, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे नाराज भी हो गए, लेकिन नेहरू ने जो अपना धर्म निभाया इसी को राजधर्म कहा जाता है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन पहले आप देखेंगे 15-16 साल पहले गुजरात गए थे तो बगल में नरेंद्र मोदी भी बैठे थे और वहां वो कह रहे थे राजधर्म क्या होता है, जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नेहरू जो है वहां पे नहीं गए। आपको बता दें दोस्तों, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उठते हैं और उठ के एक सभा में बोलते हैं जहां नेहरू और सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं, वो कहते हैं कि भारत देश बट रहा है भारत और पाकिस्तान में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत बटने के साथ साथ भारत का मुसलमान भी दो भागों में बट रहा है, एक मुसलमान भारत में रह रहा है, दूसरा मुसलमान पाकिस्तान चला जा रहा है। कल को जो है हिंदू संख्या में ज्यादा है, हम मुसलमानों को कह सकते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम विदेश चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें आएगी तो क्या होगा। तो नेहरू ने क्या कहा पता है, नेहरू हंसते हैं और कहते हैं आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं मौलाना कलाम जी, भारत जो है कभी भी हिंदू मुस्लिम का भाव था ही नहीं, यहां पे सभी धर्म को एक समान माना जाता था और सभी धर्म जो है एक समान है, कभी भी ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और नेहरू सही में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाके उन्होंने दर्शा दिया कि उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का जो है दर्जा है वह एक समान दर्जा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज यह बंदा जो है बम बम भोले का नारा वर्दी में लगा रहा है। भाई आप संवैधानिक पद पे हो, आप पुलिस की वर्दी में हो, आपका कार्य क्या है, आप किस कार्य के लिए पैसा ले रहे हो और आप कौन सा कार्य कर रहे हो। मैं फिर से आपको कह दूं, अगर यहां कोई मुसलमान, मैं गारंटी लिख के देता हूं, लिख लो, कोई मुसलमान अगर अपने मंच से चढ़ जाता पुलिस की वर्दी में और अल्लाह हू अकबर का नारा चार बार लगा देता तो क्या होता पता है,
ये जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त और नफरतबाज है, ये पूरे के पूरे दुनिया को अपने सर पे उठा लेते, इतना बवाल करते, इतना ट्रोल करते, इतना ट्रोल करते, और उसमें उस दरोगा को, उस पुलिस वाले को तो ट्रोल करते ही, पुलिस वालों के साथ साथ ट्रोल करते इस्लाम को, मुसलमान को, और पूरा क्या क्या बातें नहीं कर देते। आप सभी के जहन में बातें होंगी, आप सभी यह बात अपने आत्मा से पूछिए, आपका आत्मा सही जवाब देगा। तो जब अगर कोई मन से अल्लाह हू अकबर का नारा लगाता है और किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचता है, तो भाई कोई जो है बम बम भोले का नारा लगा रहा है, आप बताइए। और भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो देखिए मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई आप अल्लाह हू अकबर भी कहिए, आप जो है बम बम भोले भी कहिए, आप नमो बुद्धाय भी कहिए, आप बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहिए, आपको जो कहना है वो कहिए। लेकिन अगर आप भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अगर आप भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कोई आप नेता हैं, कोई अधिकारी हैं, जो भारत के लोगों के का जो है एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी जो है कानूनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको इस तरह की चीजें करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। उसके बाद आप वर्दी उतार के जितना भक्ति भावना करना है करिए, मैं भी आ जाता हूं बोलेंगे तो आराम से चैंट किया जाएगा, मृत्युंजय मंत्र ध्यान साधना किया जाएगा, पैदल चला जाएगा, कांवड़ लेके चला जाएगा, आप जैसा बोलिए वैसा मैं करने को तैयार हूं। लेकिन इस तरह के पुलिस की वर्दी में नहीं, ऐसे पुलिस की वर्दी में करना यह कदापि भारत के संविधान का जो है इसका जो है भारत के संविधान का उल्लंघन है। और मैं रविकांत भारती भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से भारत के मतलब जो संविधान है उसका उल्लंघन चाहे कोई मुसलमान करे, हिंदू करे, सिख करे, ईसाई करे, मैं सदा आवाज उठाता हूं और आवाज उठाता रहूंगा।